Hello students, how are you all? Welcome to our online classes. I hope you are good and learning well. So this is the last video of your chapter, An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. So in the previous video we have seen the introduction about Kalpana Chawla. Who was she? Or you can say how a small town girl became an astronaut. So before listening to this video, you should listen number one video of the same chapter. Let's continue from page number 48, paragraph 5. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was of 15 days 16 hours and 34 minutes long. So here we have seen स्पेस शटल का जो नेम था वो कोलंबिया था. ओके, सो जो उसकी जर्नी थी इन द स्पेस, तो वो बता रहे हैं ऑफ 15 डेज प्लस 16 आवर्स प्लस 34 मिनट्स लॉन्ग. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, ट्रैवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स. सो हेयर यू कैन सी किलोमीटर्स के आगे एक्सक्लेमेटरी मार्क है. सो इट इज़ अ ह्यूज एरिया, यू कैन से किलोमीटर्स में, कि जो उसने ट्रेवल करा. लाइक अर्थ इज सो ह्यूज, सो उस अर्थ के 252 राउंड्स, ओके, इन ऑर्डर टू विजिट स्पेस और टू लुक इन टू स्पेस, तो उन्होंने इतने किलोमीटर्स ट्रेवल करा. द क्रू, what was the meaning of crew? Crew means the people who were leading the mission. The crew included Japanese and Ukraine astronaut. The crew performed experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and the test for making stronger metals and faster computer chips, all for the price tag of about $56 million. सो अगेन इट वॉज अ ह्यूज अमाउंट जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर खर्च करे. एंड द एक्सपेरिमेंट्स वर पॉलिनेटिंग द प्लांट्स. ओके, व्हाट वाज द पॉलिनेटिंग ऑफ प्लांट मींस द पॉलन्स ऑफ द फ्लावर्स वर टेकन इनटू द स्पेस सो दैट दे कैन ट्रांसफर एंड गेट फूड आउट ऑफ इट. वो ट्राई कर रहे थे कि स्पेस में क्या फूड मिल पाता है. देन द सेकेंड दे वर टेस्टिंग अबाउट द मेटल्स, कि जो मेटल्स अपन के पास है उससे भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स बन सकते हैं, एंड वेदर द कंप्यूटर प्रोग्राम इज वर्किंग फास्टर इन द स्पेस. सो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स वर कॉस्ट $56 million. सिक्स पैराग्राफ. On the Saturday night, when the news about the Columbia disaster broke, there was shock and disbelief. तो here broke means टूटना नहीं, broke means जब बाहर आई थी इस disaster के बारे में news, all were shocked and disbelief. What is the meaning of disbelief? Disbelief means refuse to accept or believe that something is true. Okay? कि कुछ भी ऐसा अगर ट्रू फैक्ट है या ट्रू न्यूज़ आई है तो उसको यकीन नहीं कर रहे उस पर. क्यों? बिकॉज इट माइट बी सैड, इट माइट बी शॉकिंग. सो पीपल वर इन शॉक व्हेन द न्यूज़ केम दैट द स्पेस शटल कोलंबिया हैज़ ब्लास्टेड. नेक्स्ट पैराग्राफ. द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड stayed glued to their television sets in the hope that the Karnal and the crew, the Kalpana and the crew had somehow survived. So here, all the people of Karnal were spent sleepless night, means they were not sleepy, means they are not ready to sleep because they were so in shock or and sad by listening the news that the space shuttle has like blasted, or you can say broke into the parts. So now they even said glued here in the third line. Glued means
चिपकना, बट यहाँ पे एज इन ये है कि वो अपने टेलीविजन सेट से जो न्यूज़ थी उसको हट नहीं रहे थे उनको देखने से, इसलिए यहाँ पे ग्लूड लिखा है। एंड दे वर होपिंग कि कल्पना एंड द क्रू सम हाउ सर्वाइव्ड। ओके, सम हाउ मीन्स काश, उनको एक होप थी जैसे कि कल्पना और बाकी सारे क्रू मेंबर्स नहीं इसमें डेथ होनी चाहिए इस डिज़ास्टर में। फ्रॉम हेयर अ जर्नलिस्ट रोट दैट, जर्नलिस्ट मीन्स एक न्यूज़पेपर में या फिर एक कहीं न्यूज़ चैनल में एक जर्नलिस्ट ने कल्पना चावला के लिए कुछ लाइंस लिखी थी। लेट्स सी व्हाट वर इट। फ्रॉम हेयर, शी वॉज अ हीरोइन, इट टेक्स इनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियर, इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपेडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। सो हेयर अ जर्नलिस्ट इज सेइंग दैट इवन इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर आई सेड दैट कल्पना चावला वॉज अ हीरोइन, तो उसको एक इंस्पायरिंग एंड मोटिवेशनल करेक्टर बनाया। एंड इट टेक्स, उन्होंने लिखा enormous, enormous means lots of efforts और you can say lots of ability, lots of hard work चाहिए होता है to become an astronaut, and in the age of super specialization means जहाँ पे इतनी सारी development हो चुकी है या इतने लोगों को जहाँ knowledge है, जहाँ इतने लोग स्पेशलाइज्ड है, मीन्स अपना अगर कोई एक काम हो, अगर इफ़ आई से मैं ड्राइंग करती हूँ और वो एकदम ब्यूटीफुल है, परफेक्ट है, देन मैं कहूँगी कि मैं स्पेशलाइज्ड हूँ इन ड्राइंग। तो वो कह रहे हैं कि इन द नासा व्हेन सो मैनी पीपल आर स्पेशलाइज्ड इन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स, हेयर टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट यू हैव टू हैव एन encyclopedic knowledge. Encyclopedic knowledge means person should have all and detailed information. Means अगर कुछ भी इस field के बारे में अगर किसी से पूछा जाए तो उसको पूरी knowledge होनी चाहिए and very detailed also. So here let's continue from the page. Last line, her achievement is awe-inspiring, means respectful. AWE means awe, means respectful and yet inspiring also. कि जितनी भी achievements हैं from her graduation till astronaut, or you can say from the graduation to the mission of space, all her achievements were inspiring, means लोग उसको देख के inspire होते थे. Last paragraph, for millions of young Indians the story of Kalpana Chawla, a girl from small town who touched the skies, had become inspiration. In a message and she sent from abroad the space shuttle Columbia to students of her college in Chandigarh, Kalpana said the path. Okay, now here in the lines we are seeing that again we are the author is talking about the how people are of, you can say all over the world or from the India, got inspired by the story of Kalpana Chawla who touched the sky. And when she was in space, when Kalpana Chawla was in space, there also she was so thoughtful कि उन्होंने अपने जो students हैं, Indian students हैं, और from the same college she passed out from the Chandigarh, she sent a message from space. जब वो स्पेस में भी थी तब भी उन वो बहुत सोच रही थी अपने इंडियन पीपल के बारे में कि दैट शी शुड गिव अ मैसेज. तो व्हाट वाज द मैसेज, लेट्स सी फ्रॉम हेयर. द पाथ फ्रॉम द ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, मे यू हैव ऑल द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, दिस विल श्योरली बी मैनी हु स्टार्ट ऑफ this journey to fulfill their dream. So Kalpana Chawla said when she was in space, or you can say sent a message from space, that ki path from the dreams to success does exist, means aapka jo rasta hai from dreams to success,
अपन कहेंगे कि अगर हमने ड्रीम करा और हमको सक्सेस नहीं मिलेगी तो ये गलत है। ये जो पाथ है आपको जो मूव करना है फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस ये होता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट द करेज टू गेट ऑन टू इट। मीन्स विजन मीन्स कि आपको पता है कि यही सही तरीका है और यही स्टेप्स हैं। जैसे उन्होंने पहले ग्रेजुएशन करी, देन मास्टर्स, देन पीएचडी, देन फ्रॉम साइंटिस्ट टू नासा एस्ट्रोनॉट। सो आपके पास विजन होना चाहिए एंड करेज। करेज मीन्स साहस होना चाहिए कि आप उन पाथ के ऊपर या उस विजन को फॉलो कर सको। एंड देन एट द एंड शी इज सेइंग कि विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। ग्रेट जर्नी विच जर्नी? द जर्नी फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस। एंड एट द एंड शी इज सेइंग दैट मैनी ऑफ द पीपल हैव ऑलरेडी स्टार्टेड दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। एंड द ब्यूटिफुल मैसेज वी गेट फ्रॉम दिस इज दैट दिस चैप्टर teaches us how determination and hard work can help to achieve our goal, and we must have courage to turn our dreams into reality. So thank you so much for listening. I hope you enjoyed it. You can read it once again with the meaning and with the help of this video. Thank you so much. Take care.